अभी भी भोलेनाथ को जल चढ़ाओ कभी भी। देखो सावन चल रहा है तो मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर जल चढ़ाने के लिए, तो आप भी सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मतलब खुश करने के लिए जल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते कमेंट करके बताएं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है जुलाई एंड मेरे 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 169 देख रहे हो आप। आए कल 170 हो जाएंगे, 170 धीरे धीरे करते करते रघुवंशी कहाँ से कहाँ आ गया। मेरे को याद है फरवरी में स्टार्ट किया था मैंने ब्लॉग चैलेंज, पहला दूसरा पाँचवा सातवां, अभी 170 बिग अचीवमेंट फॉर मी। ऐसे आगे बढ़ते रहूँ, टाइम पर ब्लॉग एडिट करते रहूँ और अपलोड करके आपको दिखाते रहूँ। क्या है ना कि कभी कभी ऐसा डिले हो जाता है, डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट भी आता है, क्योंकि जब सब्सक्राइबर या फॉलोअर नहीं बढ़ते, वॉच टाइम नहीं बढ़ता, तो बड़ा बेकार बेकार लगता है। अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक होगा, लेकिन कोशिश पूरी जारी है ताऊ, और अपन की पूरी तैयारी है ताऊ। तो नहाना धोना हो चुका है, अभी मैं जल चढ़ा रहा था सूर्य भगवान को, अभी पूजा पाठ करूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, फिर जाऊँगा मंदिर जल चढ़ाऊँगा, वापस आके अपन खाना खाएंगे, रेडी होंगे और ऑफिस जाएंगे। और ऑफिस से आज थोड़ा जल्दी वापस आके एक स्पेशल जगह जाने का प्रोग्राम है, वो मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगा। तो मंदिर में भोलेनाथ को जल चढ़ा के मैं आ गया हूँ वापस, रेडी होता हूँ ऑफिस जाने के लिए, फिर अपन ब्रंच करेंगे एंड देखते हैं आज ब्रंच में क्या बना है। पहले रेडी तो हो जा रघुवंशी, जल्दी कर, ऑफिस जाने के वक्त को बदलना है, यानी कि दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है। 10:30 बजने वाले हैं, मैं रोज की तरह आज भी थोड़ा सा लेट हूँ, कल कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, कल 12 बज गए थे ऑफिस पहुँचते पहुँचते, कल ऑफिस में सुनना भी पड़ा, आज बड़ी जल्दी आ गए। मैं बोला हाँ थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, देखते हैं ब्रंच में क्या बना है, जल्दी खाते हैं, भागते हैं ऑफिस। देखो क्या है, इंसान बंदर से ही पैदा हुआ है, तो सुबह सुबह बंदर वाला ब्रेकफास्ट यानी कि केले। क्या आप भी केले खाना पसंद करते हैं कमेंट करके बताएं। तो लंच में आज बना है मस्त मसालेदार भिंडी की सब्जी, मेरा बचपन का फेवरेट, बेहतरीन वाली मिक्स दाल जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है, और रोटी के साथ तो मेरे को हमेशा ही मजा आता है खाने का। फाइनली ऑफिस का काम खत्म, घर आ चुके हैं हम, शाम के बज रहे हैं 5 या 5:30, टाइम नहीं देखा मैंने आने के बाद, और एज ऑलवेज भूखड़ इंसान, भूख लगी है। ऑफिस में आज कुछ खास दिन गया नहीं मेरा, रोज की तरह बोरिंग बोरिंग, तो अभी कपड़े बाद में खोलूँगा, लोग देख लेंगे तो कमेंट करने लग जाएंगे कि बेशरम इंसान, कैमरे के सामने नंगे होते तो और भी काम नहीं। भैया जी एक तो लघु शंका है, मेरी शंका यह है कि मैं ब्राइट कलर में अच्छा दिखता हूँ या लाइट कलर में या दोनों में, कमेंट करके बताएं, मैं तब तक देखता हूँ कि खाने में क्या है। मैकरोनी खा के मजा आ गया, बहुत टेस्टी बना था और पेट भी भर गया इसको खा के, क्योंकि ढेर सारा खाया। तो अब मैं करूँगा थोड़ी देर आराम, और फिर अगर मेरे पास ताकत बची या मेरे को नींद नहीं आई तो अपन ब्लॉग एडिट करेंगे थोड़ा सा। तो अभी पेट भर के मैकरोनी खाने के बाद मैंने सोचा था कि अगर नींद ना आई तो ब्लॉग एडिट करेंगे, तो ब्लॉग एडिट मैंने एक्चुअली किया नहीं, मैं सो गया था, मेरे को नींद आ गई थी। अब बच चुके हैं 7 और रोजी आंटी बोल के गई थी कि दूध पी लेना दूध, तो अभी ठंडा ठंडा दूध, उसमें बॉर्नविटा मिलाते हैं और गले से नीचे गटकाते हैं। क्या है ना, थोड़ा एनर्जी चाहिए, आजकल अपन वॉक वगैरह पे जा रहे हैं तो थोड़ी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो जाए, इसलिए दूध वगैरह पीना चाहिए ताऊ। तो देखो कॉस माइनस थ्रीटा नहीं मिल रहा मेरे को बॉर्नविटा, तो प्लेन दूध पी लेते हैं, क्या ही जाता है, वैसे भी उसमें शुगर होता है। क्या मेरे में ज़्यादा हिम्मत है नहीं बॉर्नविटा ढूंढने की, 2 मिनट ढूंढा मैंने मेरे को मिला नहीं, तो मैंने बोला हटाओ, सादा दूध पी लेते हैं, क्या ही जाता है। देखो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, नहीं संडे हो या मंडे रोज पियो दूध मेरे बंदे, तभी बनोगे मेरे जैसे खंबे। देखो अगर हाइट बढ़ानी है तो दूध पिया करो दूध, वैसे मैं एकदम श्योर तो नहीं हूँ इससे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़ायदा तो करेगा ही करेगा। तो ले दे के एक ब्लॉग एडिट किया मैंने और उसके बाद कर रहा था आराम, और अब 9 बजने वाले हैं भैया, तो जो अपना 5 दिन से रूटीन चल रहा है वॉक पे जाने का वो टूटे ना, आज 6वां दिन भी अपन जाएंगे, तो इसलिए मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने आलसपन और कोड़ियापन को बोला कि बाय बाय भैया हम वॉक करके आते हैं। तो अभी चलते हैं वॉक करके आते हैं, और फिर थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा एंड उसके बाद डिनर का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 9 ऑलरेडी बज चुके हैं तो 10:30 बजे तक अपना डिनर भी हो जाएगा। देखो आज का ब्लॉग मेरे को लग रहा है ऐसे ही टाइम पास टाइप का जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ब्लॉग बनते रहेंगे कैसे भी करके। देखो ब्लॉग इतना आज का इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरा माइंड कहीं और डाइवर्टेड है शायद इसलिए, और ऐसा कभी कभी होता है। पिछले 160-170 जितने भी ब्लॉग बन चुके हैं उसके हिसाब किताब से देखा जाए तो एक आध दिन ऐसा भी होना बनता है, चलता है। और आजकल के जो मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ अपने पुराने वाले, वो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ खास नहीं बनाया, कभी 10 मिनट का है, कभी 4 मिनट का है, कभी 7 मिनट का है, कभी 12 मिनट का है, कभी फिर से 5 मिनट का है। आज तो वॉक करके मज़ा आ गया, वॉक का 6वां दिन था, स्टेमिना थोड़ा बढ़ा है मेरे को ऐसा आज फील हुआ, क्योंकि आज मैं कम से कम 1 घंटा वॉक किया हूँ, पूरे 1 घंटे।
लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और थोड़ा बहुत हाथ घुमाना पैर घुमाना जरूरी है तब, क्योंकि कहना इतना वॉक करने के बाद अगर लेट गया तो सारी चीज़ें ऐसे सुबह अकड़ जाएंगी और कल सुबह नींद नहीं खुलेगी फिर। तो थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करते हैं, कमरिया घुमाते हैं, हाथ पैर को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में डिनर करेंगे क्योंकि 10 बज चुका है। मैं 9 बजे से पहले गया था ऑलमोस्ट एंड अभी 10 बजने वाले हैं करेक्ट। तो आज मज़ा आ गया वॉक करने में, आप देख सकते हो पसीना पसीना और रखे अपन। हालांकि आज हवा अच्छी चल रही थी वॉक करने में, पार्क में मज़ा आ गया और गाना सुनते सुनते ऐसा वॉक किया हूँ ऐसा वॉक किया हूँ ऐसा लग रहा था रुकूँ ही नहीं। लास्ट में खुद बोला कि चलते हैं भाई अब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना कि मेन असर अगले दिन पता चलता है। बॉडी गर्म हो गई थी, मैं वॉक कंटिन्यू किए पड़ा था। अब ये देखना है कि मैं वॉक और एक्सरसाइज कितने दिन तक कंटिन्यू कर पाता हूँ, सबसे मेन पॉइंट तो वो है। आज हो गया डे 6, देखते हैं कितने दिन तक खींच पाते हैं। क्या आपको लौकी के कोफ्ते खाना पसंद है, कमेंट करके बताएं। अपने डिनर में आज है लौकी के कोफ्ते, सुबह वाली भिंडी की सब्जी, दे गर्म गर्म तवा बटर रोटी और लौकी के कोफ्ते बहुत टेस्टी बने हैं, मजा आ गया, मैं टेस्ट करके देख चुका हूँ। तो डिनर हो गया और अब टाइम हो गया है सोने का, ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस ब्लॉग। कल के मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 169 यहाँ कंप्लीट होता है एंड मिलते हैं अब कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। लौकी के कोफ्ते अच्छे बने थे, भिंडी खा के मज़ा आ गया, रोटी चावल सब खाया, अब जम के नींद आएगी। 10:30-11 बजने वाले, मेरे को टाइम का अंदाजा नहीं, मैं जा रहा हूँ सोने। कल अपन एक स्पेशल जगह जाने वाले हैं तो कल का ब्लॉग देखना ना भूलें।